क्यों किया सिद्धार्थ ने पारस को नॉमिनेट? क्या टूट जाएगी शहनाज और सिद्धार्थ की दोस्ती? क्या पारस लेंगे अब सिद्धार्थ से बदला? बिग बॉस के घर में इस समय घर का राजा यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला खेल रहा है सबसे स्मार्ट गेम। जी हाँ, आज सिद्धार्थ को मिलेगा चांस जहाँ उन्हें करना होगा किसी घर वालों को नॉमिनेट, और जहाँ बड़े ही स्मार्ट डिसीजन के साथ सिद्धार्थ लेंगे पारस का नाम। शो में अब तक आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले ही घर का गेम बदला, तब जब सिद्धार्थ और आसिम की हुई लड़ाई। इसी लड़ाई के दौरान सिद्धार्थ और पारस की दोस्ती हो गई, लेकिन आज फिर से गेम बदल जाएगा क्योंकि सिद्धार्थ बड़े ही चालाकी से कर देंगे पारस को नॉमिनेट इस हफ्ते की एलिमिनेशन के लिए। वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिद्धार्थ को मिलता है कैप्टन होने के नाते एक खास पावर, जहां वो डायरेक्टली कर सकते हैं किसी भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट। शो के एक प्रोमो में आप देखेंगे कि सिद्धार्थ बीइंग अ कैप्टन, उन्हें पहले हिंदुस्तानी भाव और रश्मि देसाई में से किसी एक को करना था नॉमिनेट, जहां सिद्धार्थ ने भाव को सेव करते हुए रश्मि को कर दिया नॉमिनेट। वेल, ये फैसला इतना शॉकिंग नहीं था क्योंकि सिद्धार्थ और रश्मि आए दिन कोई ना कोई बहस करते ही रहते हैं, जिसके बाद बारी आती है आरती सिंह और पारस छाबरा में से किसी एक को बचाने की और किसी एक को नॉमिनेट करने की बारी। यहाँ पारस को नॉमिनेट करते हुए आरती को बचा लेते हैं सिद्धार्थ। वेल, आपको बता दें कि इस बात से पारस काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन शहनाज भी हो जाएंगी सिद्धार्थ से नाराज। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शहनाज ये तक कह देती है कि वो अब सिद्धार्थ से कभी भी बात नहीं करेंगी उनके इस डिसीजन के बाद। वेल, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसके बाद विशाल आदित्य सिंह पारस के पास जाकर उन्हें उकसाने की कोशिश करते दिखाई देंगे सिद्धार्थ के खिलाफ। वो उन्हें ये कहते हैं कि वो जब से सिद्धार्थ से मिले हैं वो अपना खेल कहीं खो चुके हैं, लेकिन उनके बात को ज्यादा ध्यान ना देते हुए पारस भी अपने गेम पर ही फोकस करते हैं, जिसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि हमारे कैप्टन ने बड़े ही सही समय पर सही गुगली फेंकी है। क्या अभी भी सिद्धार्थ और पारस दोस्ती निभा पाएंगे या नहीं, ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है।